नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछि मु हाथरे प्रथम हेडलाइंस। नयगढ़ बहु चर्चित परी हत्या मामला चार्जशीट रिओपन पर आवेदन कला एसआईटी। नयगढ़ चिल्ड्रेन्स कोर्ट रे आवेदन चार्जशीट करी मामला क्लोज कर एसआईटी। परी मामलें अभियुक्त नाबालक मां को विस्फोरक बयान मो पुओ को फसाइबा को चेष्टा करुछि एसआईटी। एसआईटी उपरे बरसिले लेखाश्री डाटा लीक को नहीं उठाइले प्रश्न। असंत उपत्यका श्रीनगर बराज जिले आतंकवादी आक्रमण सीसीटीवी कैद है दृश्य। अतर्कित गुड़े गुरुतर दुई पुलिस कर्मचारी शहीद। आक्रमण पर निजको दायी कला मुस्लिम जाभाज फोर्स जम्मू काश्मीर। कोठिया आंध्र निर्वाचन नहीं सुप्रीम कोर्ट ने शुणी। आंध्र सत्यपाठ उपर प्रति जवाब दाखल ओडिशा को निर्देश। काउंटर सत्यपाठ दाखल ओडिशा को चार सप्ताह दे। विधानसभा चाषी ताती गृह बीजेपी और कांग्रेस सदस्यों नाराबाजी वो हो हल्ला। अपराह चारिटा जाए मुलतवी घोषणा कले बाचस्पति। खोर्धा काईपदर में काउमड़क दुई दिन में गला 50 रु अधिक काउर जीवन। बर्ड फ्लू संदेह खोर्धा प्राणी चिकित्सा विभाग तदंत आरंभ। परीक्षा पर पठागला काउर मृतदेह वो नमूना। ड्रागन मानिला गलवान सत एलएसी रे मरी चारि चीनी सेना। गणमाध्यम चारि सैनिकों ना प्रकाश पूर्व मृत्यु को मानु नथिला चीन। अंतरिक्ष रे नासार ऐतिहासिक सफलता। मंगल रे सफलतार सह लैंड कला रोवर। सात मासर यात्रा परे काली राति 2:25 रे अवतरण। एवं पुरी रे बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रणावत महाप्रभु का दर्शन करि नेले आशीर्वाद। कहिले वर्ष आरंभ रु जगन्नाथों दर्शन करि मु धन्य। विश्ववासी सुख समृद्धि नहीं कामना। संपूर्ण खबर को नयगढ़ बहु चर्चित परी हत्या मामला समय कड़ाई पारु एसआईटी रो नुआ षड्यंत्र। चार्जशीट रिओपन पई आवेदन करिछि एसआईटी। आज एसआईटी पक्षरु नयगढ़ चिल्ड्रेन्स कोर्ट रे आवेदन करा जायछि। परी चार्जशीट करी मामला क्लोज करितला एसआईटी। नयगढ़ बहु चर्चित परी हत्या मामला समय कड़ाई पारु एसआईटी रो नुआ षड्यंत्र। चार्जशीट रिओपन पर आवेदन करिछि एसआईटी। आज एसआईटी पक्षर नयगढ़ चिल्ड्रेन्स कोर्ट रे आवेदन करा जायछि। परी चार्जशीट मामलें अर्थात ये मामला को क्लोज करा जायतिला एसआईटी पक्षर। एवं वर्तमान समय एसआईटी आउ थे रिओपन पर आवेदन करिछि। एवं नयगढ़ चिल्ड्रेन्स कोर्ट रे आवेदन करा जायछि। परी चार्जशीट मामला क्लोज करितिला एसआईटी। वर्तमान समय चार्जशीट रिओपन पर आवेदन करिछि एसआईटी। एवं एसआईटी पक्षर नयगढ़ चिल्ड्रेन्स कोर्ट रे आवेदन करा जायछि। परी हत्या मामलें एसआईटी द्वारा अभियुक्तर वीडियो वायरल को नहीं बरसिला बीजेपी। एसआईटी और राज्य सरकार को सीधा सड़क टार्गेट करिछंती बीजेपी साधारण संपादिका लेखाश्री समंत सिंघल। से कहिछंती बारंबार एसआईटी रो डाटा लीक हेउछे। तांको प्रथम स्टेटस रिपोर्ट मध्य किछिटा गणमाध्यम को दिया जायतिला। विधानसभा रे किछि महत्वपूर्ण प्रसंग को नजर हटाइबा को एपरि करा जाउतिबा कहिछंती लेखाश्री। एसआईटी तदंत को बाटबणा करूछि। वीडियो लीक करा जाय असल अभियुक्त को घंटो घोडा जाउछि। राज्य सरकार मध्य विभिन्न एजेंसी द्वारा एहाको घंटो घोडाउछन्ति। गतकाली मध्य परिमा एसआईटी तदंत उपरे प्रश्नवाची सृष्टि करितिले। घटनारे जेउ माने अभियुक्त विरोध रे प्रमाण दैछन्ति सेमाने एही घटनारे संप्रुक्त थिपार अभियोग आनिछन्ति परिमा। जदुपुर नाबालिका को न्याय मिलबा दरकार। एहाको जेते घंटो घोडाइले पि सत्य सामना को आसिबो। परी बापा मा जेउ मानको ना नेउछन्ति सेमानको तदंत परिसरभुक्त करिबा आवश्यक बोली कहिछन्ति लेखाश्री। बीजेपी रो मिशन बेंगल अर्थात वर्तमान समय पूर्व मेदिनीपुर रे परिवर्तन यात्रा करा जाइछे। एवं एही समावेश रे जोगो दैछंती अनेक बीजेपी नेता एवं केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान मध्ये एथरे जोगो दैछंती। आसंतु नजर पकाइबा केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। फर्टिलाइजर फैक्ट्री हो बिजली घर हो वे पूर्व मेदिनीपुर तो बंगाल के अर्थनीति की मुख्य स्थान बना हुआ था। कहा गया वो बंगाल की अर्थनीति? कहा गया बंगाल की कारखाना
क्यों बंद पड़ा है, यहाँ की अभी चर्चा हो रही थी। नौजवान बंगाल छोड़ के बाहर जा रहा है, 15,000, 20,000, 25,000 इतना ही पैसे के लिए बूढ़े माँ बाप को छोड़ के, जवान व्यक्ति अपने परिवार को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, आदमियों को छोड़ के, पत्नी को छोड़ के बाहर काम करने के लिए जाता था। अभी सोचने की समय आई है, जो बंगाल देश की अर्थनीति को संभाला था वो बंगाल से नौजवान आज बाहर क्यों जा रहा है। परिवर्तन यात्रा की सभा में मैं आपको इतना ही पूछने आया हूं कि बंगाल के नौजवानों को बंगाल में रोजगार की व्यवस्था करना चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आप उत्तर दीजिए मित्रों। रोजगार बंगाल में चाहिए कि नहीं चाहिए? बंगाल में ही नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर नौकरी रोजगार बंगाल में चाहिए तो लंबे समय तक वो बाम पंथ की सरकार हो या बुआ भतीजा की सरकार हो, बुआ भतीजा तो समझ ही रहे हैं आप लोग, क्या बुआ ने रोजगार कर दिया भतीजे के लिए, भतीजे ने बुआ के लिए गुंडागिरी करके रोजगार कर दिया, बंगाल की माताओं की क्या होगी, बंगाल की नौजवानों की क्या होगी, बंगाल की भविष्य का क्या होगा? मित्रों, इसी विषय का फैसला इस बार के चुनाव में होगा। आप लोगों के आशीर्वाद से 2014 में और फिर 2019 में देश की प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी नरेंद्र मोदी जी को मिला है, और नरेंद्र मोदी जी ने कहा है पूर्व भारत के विकास के बिना भारत में विकास की कल्पना करना उचित नहीं होगा। बंगाल से पूर्वोदय होगा, हरदिया से पूर्वोदय होगा, रोजगार यहीं से होगी तब जाके पूर्वोदय होगा। मित्रों, आपको पीसी वाला सरकार चाहिए ना रोजगार वाला सरकार चाहिए? आपको बेईमानों की सरकार चाहिए या ईमानदारों की सरकार चाहिए? क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? परिवर्तन करना पड़ेगा। परिवर्तन करेंगे, दोनों हाथ उठा के कहिए परिवर्तन करेंगे। मित्रों, मेरे को पूरा विश्वास है पार्टी की ओर से इस जिले में जो रथ यात्रा चल रही है, जनसंपर्क चल रही है, बंगाल के परंपरा के हिसाब से इस जनसभा से आज अनेक मित्र, अशोक जी हो या मंडल दीदी हो या अन्य पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, अच्छे लोग बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, कलाकार ज्वाइन कर रहे हैं, खिलाड़ी ज्वाइन कर रहे हैं, समाज के अच्छे लोग बीजेपी में आ रहे हैं। मित्रों, जब बीजेपी बन रहा है किसी को कष्ट भी हो रहा है। बताइए, स्वामी विवेकानंद बंगाल के गौरव है कि नहीं है? है कि नहीं है? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? परमहंसदेव। कौन थे? अरे जोर से बोलिए थोड़ा। राम का नाम जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? कोई बेइज्जती हुई? कोई बेइज्जती हुई? वो दीदी को क्यों मिर्ची लगी? ओ डर गया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वही तो बंगाल है। अब ये कहा जाता है कि ये माता, ये शक्ति पीठ है, कौन मना करता है? बिना शक्ति के भगवान है क्या? नहीं। बिना सीता की राम है क्या? नहीं। बिना शक्ति के शिव जी है क्या? नहीं। तो शक्ति और शिव, सीता और राम, ये तो दोनों ही रहते हैं, तो आपत्ति किस बात की है? मित्रों, अभी मौका आया है परिवर्तन करने का। जो लोग भारत को दुर्बल करना चाहते हैं वोट की राजनीति के लिए, बहुसंख्यक समाज की हितों को अनदेखा करना चाहते हैं, इस बार चुनाव में उनको जवाब देने की मौका आई है। मैं पूरा विश्वास रखता हूं ये यात्रा
अभी सफल हो गई है। यात्रा अंतिम चरण में पहुंचे हैं। चंद दिनों में चुनाव की घोषणा होगा। इस बार 16 की 16 सीट पश्चिम पूर्व मिदनापुर से चुपचाप नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, दिलीप घोष जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार 200 बार माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के हमारे तरफ से धन्यवाद। खबर को कोटिया प्रसंग रे सुप्रीम कोर्ट रे सुनानी करा जाय छे। प्रति जवाब लागि ओडिसा सरकार को 4 सप्ताह समय सुप्रीम कोर्ट देछंते। ओडिसा को समय मिलिबा परे ओडिसा पक्ष वकील शिवशंकर मिश्रा कहिछंते जे आम पाखरे पर्याप्त डॉक्यूमेंट रही छे। 1936 मसीहा परठु आम पाखे सब डॉक्यूमेंट अछे। ओडिसा रो गां रे आंध्रप्रदेश निर्वाचन कराइथिबार प्रतिवाद रे ओडिसा सरकार सुप्रीम कोर्ट को द्वारस्थ होइथिले। निज पक्ष को दृढ़ करने कण कण तथ्य प्रमाण रखा तार रणनीति प्रस्तुत करने को दिल्ली रे लीगल टीम रो बैठक बसी। सेपटे आंध्र सरकार कोर्ट रे दाखल कर सत्यपाठ अनुसार 1952 मसीह कोटियार बिवादियों तीनोटी गाँव में सेने निर्वाचन कर किंतु आमर जो दस्तावेज गुड़ा थिला बहुत सारे दस्तावेज वॉल्यूमिनस रेकर्ड थिला। ये रेकर्ड जो प्रोड्यूस करने कहलु कोर्ट कहला कि सारे रेकर्ड फाइल कर तेणुक आम 4 weeks टाइम दौचु। तेणुक कोर्ट तरफ आमको 4 weeks टाइम मिली आम सारे डॉक्यूमेंट को आम एकट्ठा करके आम पी विधानसभा बजेट अधिवेशन द्वितीय दिन में प्रश्नकाल आरंभ गृह अचल चाषी और मंडी प्रसंग को नहीं विरोधी प्रबल हो हाला। उभय कांग्रेस और बीजेपी प्रबल हट्टगोल करने जो गृह कार्य चली पार नाला। प्रश्नकाल आरंभ प्रबल हट्टगोल जो अपराह 4 जाए गृह को मुलतवी घोषणा कर प्रश्नकाल आरंभ चाषी समस्या धान मंडी प्रसंग में विरोधी नाराबाजी देते एपरिक सदस्य मैंने बाचस्पति पोडियम निकट को जाई होहल्ला करते। बीजेपी विधायक फ्लाकार्ड धरी विरोध प्रदर्शन करवाचस्पति गृह को मुलतवी घोषणा कर शेषे ड्रागन मानला सत गलवान में मरी 4 चीनी सेना प्रथम थर पर एक मानि चीन प्रशासन गत वर्ष होता संघर्ष को मना कर चीन किंतु एवं निज मुहरे सत मानि तेरे रुषिया समाचार एजेन्सी पक्षर् कत वर्षर संघर्ष में चीन 45 जन सैनिकों मृत्यु हो गणमाध्यम मृत्युवरण कर चीनी सेना नाम प्रकाश पाई। पीपुल्स डेली चाइना पक्षर् ट्विट कर एक जहाँ स्पष्ट करुच्चे चीन सबु जाणी सारा विश्वठू सत लुचाऊला एवं सत को सामना को आसवा पर चीन चालाकी पदार पड़ी। सबुठ बड़ कथा हो बारंबार भारत दाबी करुले भी चीन एक को अस्वीकार कर मे मस जो गलवान घाटी भारतीय सैनिक आईनिक सैनिक चाइना सैन्य मध्य क्रास होता फाइट होता से तार 4-5 जन सैनिक निहत होती किंतु दुखर कथा जे चाइना तार प्रकृत निहत हो सैनिक संख्या को लुचाऊ। देखु चाइना के निजर विकनेस या विक पॉइंट के विश्व सामने से पकाईने से के सब से चाहे कहे चाहे जे सारा विश्व को जानापी तार सबुठ शक्तिशाली सेना से बहुत शक्तिशाली अमेरिकार जो इंटेलिजेंस एजेंसी सांगे सांगे जनईला जे चाइनार पाखापाखि 42 सैन्य मरी रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी न्यूज एजेन्सी क्लीयरली नोटिफाई कर 45 जन सैन्य चाइनार मरी किंतु आमर जहाँ अन्य आमर इंटेलिजेंस रिपोर्ट जमा पड़ी इवेन 45 रु भी अधिक सैन्य 50 रु पाखापाखि अधिक सैन्य मरी। अशांत उपत्यका श्रीनगर में आतंकी आक्रमण में 2 पुलिस कर्मी शहीद। सीसीटीवी रे कैद हला आतंकी फायरिंग दृश्य बराजुला पुलिस उपर एही आक्रमण होता आतंकी हाथ में AK-47 थरी आखि बुचा गुड़ चल रहा तीन दिन में यह द्वितीय आतंकी आक्रमण। यह आक्रमण पर निजक दायी कला मुस्लिम जवाज फोर्स जम्मू काश्मीर फायरिंग पर स्थानीय अंचल सुनसान हो पड़े।
ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନାସାର ରୋଭର୍। ଆମେରିକାର ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ନାସା ଗତକାଲି ରାତି 2:30 ମଙ୍ଗଳରେ ପର୍ସିଭରେନ୍ସ ମାର୍ସ ରୋଭର୍ର ସଫଳତା ପୂର୍ବରୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରାଇଛି। ଏଥିସହ ଆମେରିକା ମଙ୍ଗଳକୁ ସର୍ବାଧିକ ରୋଭର୍ ପଠାଇଥିବାରେ ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ଦେଶ ପାଲଟିଛି। ମଙ୍ଗଳରେ ଜୀବନର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଯାଇଛି ଏହି ରୋଭର୍। ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ରହିପାରିବେ କି ନାହିଁ ତାର ସନ୍ଧାନ ବି କରିବ ରୋଭର୍। ଜେଜେରୁ କ୍ରେଟର୍, ଯାହାକି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଏକ ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକା, ସେଠାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଛି ପର୍ସିଭରେନ୍ସ ମାର୍ସ ରୋଭର୍। ଏହାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 1000 କିଲୋଗ୍ରାମ। ଏହା ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିରେ ଚାଲିବ। ଏହା ମଙ୍ଗଳ ପୃଷ୍ଠରେ 10 ବର୍ଷ ଯାଏ କାମ କରିବ। ଏଥିରେ 7 ଫୁଟର ରୋବୋଟିକ୍ ଆର୍ମ, 23 କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଏକ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ ଲାଗିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଙ୍ଗଳର ମାଟି, ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିଲା ସ୍ୱାମୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଥରପୁରା ଗାଁର ଗଣେଶ ମାଇତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସ୍ୱାମୀ ଗଣେଶ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ନିଜ ଘରେ ନିଜେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ନିଆଁ ଲାଗି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ଆସବାବପତ୍ର ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ କାଉ ମଡ଼କ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା କାଇ ପତରରେ 3 ଦିନ ହେଲା କାଉ ମରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 50-60 କାଉର ମୃତଦେହ ଠାବ କରାଯାଇଛି, ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଡଫ୍ଲୁ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କାଉ ମଡ଼କ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ମୃତ କାଉର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଚଢ଼ିକି ଥରଥର ହେଇକି ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯେଉଁ ଦୁସୁରା କାଉ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ତା ପାଖରେ ଦେଇଲେ ସିଏ ବି ପଡ଼ିକି ମରିଯାଉଛନ୍ତି। 2-3 ଦିନ ହବ ଏମିତି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, 3-4 କାଉ ମଡ଼କ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଇଟା ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ହେଇପାରେ। 3 ଦିନ ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କାଉ ମରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି 50-60 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାଉ ପର୍ ଡେ ମରୁଛନ୍ତି। ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ଭେଟନାରୀ ବାଲାକୁ ଖବର ଦେଲୁ, ଯାହାକି ସେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଏଇଟା ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ହେଇପାରେ ମୋ ଖିଆଲରେ। ଆଉ ଗାଁବାଲା ସବୁ ଆତଙ୍କିତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଆସିଲେ 2 କାଉକୁ ନେଇଗଲେ, ଆଉ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିକି କିଏ ତାକୁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ କାଉକୁ ସେମାନେ ଏମିତି ପଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରପର୍ରେ ପୋତିକି ନ ପୋତିକି ନ ପୋଡ଼ିକି ସେମିତି ଯାଇଛନ୍ତି ଖାମଖିଆଲିରେ। PDS ମହା ଘୋଟାଲା ଅଭିଯୋଗରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ତାଲା ପକାଇଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ହାଟ ମୁନିକୁଡ଼ାରେ 3 ମାସ ହେଲା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଠିକ୍ ଭାବେ ଆସୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପରି 3 ମାସ ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ PDS ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି, ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ମଣ୍ଡିରେ ତାଲା ପକାଇଲେ ଚାଷୀ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମଲ୍ଲିକ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟୋକନ୍ ମିଳିନଥିବାରୁ ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଚାଷୀମାନେ ମଣ୍ଡିରେ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠା ନ କଲେ ସେମାନେ ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ଡିଭାଇଡରକୁ ପିଟିଲା ବୋଲେରୋ। ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଏକାଧିକ ରୋଗୀ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଏକ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି ମେଡିକାଲରୁ ରୋଗୀ ଛାଡ଼ି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ମେଡିକାଲର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ରାସ୍ତା ମଝିର ଡିଭାଇଡର ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସୁଥିବା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସମେତ କିଛି ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗାଡ଼ିଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଜଣକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁରୀରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରଣାୱତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି କଙ୍ଗନା। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସିଂହାରୀ ସେବାୟତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଇ କଙ୍ଗନାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ପତିତପାବନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ 22 ପାହାଚ ଓ 7 ପାହାଚ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ କଙ୍ଗନା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବହୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସେ ଅଭିଳାଷ ମୋର ପୂରଣ ହୋଇଛି। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି କଙ୍ଗନା। ଏହାସହ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ କଙ୍ଗନା।
आकर्षण रहा। और आपको पता है कि साल की शुरुआत में मेरी ये बहुत इच्छा थी और मैंने इस तरह की भगवान से प्रार्थना भी की थी कि मुझे इस साल जगन्नाथ जी के दर्शन हो। देखिए कितना सौभाग्यशाली साल है कि मुझे सच में दर्शन हो गए। और मेरी फिल्म ढाकर के क्रू का भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। देखिए वही है कि हम लोगों ने सबके भी सर्व शांति के लिए प्रार्थना है। और जैसा कि सबको पता है यहाँ पे श्री कृष्ण बस है जगत के, तो उनसे हमने यही प्रार्थना की है कि सारे विश्व में शांति बनी रहे और ये साल सबके लिए ही बहुत अच्छा रहे। आज कंगना राणावत आसते सब भोर 6 बाजवा 15 मिनट थी से सिंहद्वार पहुँची जाते महाप्रभु को 22 पार्श्व दे मंदिर भितर प्रवेश कले। सर्वप्रथमे सत्यनारायण को दर्शन करतापुर गणेश को दर्शन कले, तापर नृसिंह को दर्शन कर मूर्तिमंडप आशीर्वाद नहीं माता विमला दर्शन कले। विमला दर्शन पर से भुवनेश्वरी माता दर्शन कले और महालक्ष्मी को दर्शन कर नवग्रह को दर्शन करतापुर से महाप्रभु को संपूर्ण मंगल आरती ठिया हो दर्शन कले। एक घंटा प्राय से मंदिर भितर से बिताइले आ बहुत खुशी अनुभव कले। आ कहले बहुत देरी रे आसली जगन्नाथ धाम हूँ सब धाम मुख्य धाम से बहुत दुखित। आज पवित्र माघ सप्तमी चंद्रभागा पूर्ण, तेरे चलित बर्ष कोरोना कटकणा पाई बिना भक्त अनुष्ठित होइछे सूर्य पूजा। चंद्रभागा 144 धारा लागू होइछे। माघ सप्तमी रे एठाकु लक्षाधिक भक्त समागम होइथाय। राज्य तथा राज्य बाहर लक्ष लक्ष श्रद्धालु एठाकु आसिथांते। मात्र चलित वर्ष कोरोना पाई बंद रही पूर्ण। सुवर्णपुर जिले में सूताकल पुनः कार्यक्षम करने को दाबी जोर धरी। कंचामाल अभाव बंद रही सूताकल। कोटे कोटे टंकार मेसीन खत खाऊ बेले अनेक बेरोजगार होती। दीर्घ दिन है सूताकल ताला झुलुवा बेले घरे बसी श्रमिक एवं यह चालू करने को दावी कर। खोलाओ सूता कल, कंचामाल अभाव बंद रही कल, रोजगार हर धारणारे श्रमिक। सुवर्णपुर जिले में सूताकल पुनः कार्यक्षम करने को जोर धरी दावी। कंचामाल अभाव बंद रही सूताकल। कोटि कोटि टंकार मेसीन खत खाऊ बेले अनेक बेरोजगार होती। दीर्घ दिन है सूताकल ताला झुलुवा बेले घरे बसी श्रमिक एवं यह चालू करने को दावी कर। आंदोलन 1984 मसीह तत्कालीन मुख्यमंत्री जानकी वल्लभ पटनायक सूताकल घोषणा करते ही समय 7 कोटी टंकार खर्च में तैयारी सूताकल 1400 श्रमिक रोजगार पाई हेले क्षति में चल 2002 मसीह सूताकल को बंद कर दिगला। 2011 मसीह एक घर कंपानी को सूताकल को बिक्री करदे कि घर कंपानी किछि दिन चालू करने सूताकल को बंद कर। आज सोनपुर कपार अभाव बिक्री होता बेले कपार अभाव देखिक सोनपुर सूताकल मालिक किभली भाव में सूताकल को बंद करमको आश्चर्य लगुचे। वर्तमान श्रमिक मैंने हट हेले आज जिलापा अल्टिमेटम देवु और कहबू जो सूताकल जो सरकार सांगे जो चुक्ति बातिल करा जाओ एवं सूताकल सरकार चलांतो श्रमिक मानकर बाकिया पाउणा प्रदान करंतो प्रोविडेंट फंड टंका डिपोजिट करा जाओ नहले आगामी दिन में धुआंधार आंदोलन हेबो राजरास्ता को श्रमिक मैंने ओल्लैबे एवं सेतिपई राज्य सरकार दायी रहिबे। कंचामाल अभाव देखा एवं सूताकल पूरा बंद रही किंतु जिले में एकर एकर कपा चाष हो। चाषी कपा बिक्री करि न पारि अभाव बिक्री रो शिकार हेछि। पड़ोसी जिले में मिल नहीं कपा किनुछन्ति हेले निज जिले में सूताकल थाई एठारे कपा चाषी उपेक्षित हेउछन्ति। अन्य पटे एठारे काम करुथिबा 1400 कर्मचारी एबे भी सूताकल संपूर्ण चालू हेबो बोली आशा बांधि बसुछन्ति। सेपटे पूर्वरु काम करुथिबा ईपीएफ ओ अन्यान्य प्राप्त मध्य मिलि नथिबा श्रमिक माने अभियोग करछन्ति। एने जिलापालंकु पचारिबारु से कहिछन्ते मिल कर्तृपक्षक सहित आलोचना चलिछे। श्रमिक माने किपरि काम पाइबे सेने पदक्षेप नियाजिबो बोले जिलापाल कहिछन्ते। कारण होजे केते बेले कपा नै घिनि पारबार आर तो केते बेले लाइन बंद कर दैगुरी कटै दैगुरी श्रमिक मानकु असुविधा करुजन। आर जेते बेले चलासन भी 3 मासे थरे दरमा देसन
ଯେନ୍ଟାକି ତାମାନେ ଆମେ ବହୁତ ଶ୍ରମିକମାନେ ଭାଇମାନେ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁଁ। ଆଗେ 500 ଲୋକ ଥିଲୁ, ଯେନ୍ଟାକି 3 ସିଫ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା, ଏହେଦେ ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟରେ ଆଧାରିତ କରି କରି ଚଲଉଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ତାମାନେ ବି ସେଟା 40 ଆମେ ଦିନକ ତାମାନେ ମାସକ 20 ଡ୍ୟୁଟି ବି ନାଇଁ ପାଇବାର। ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ର କାମଟା ଏମିତି ଅଛି କି ବହୁତ ଲୋକକୁ ସେ କାମ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଟା ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି। ତଥାପି ସେ ବ୍ୟାଚେସ୍ରେ 20-25 ନେଇକି ଏବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ର ମେଟେରିଆଲ୍ ଅଛି ସେଟା ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିକି ସପ୍ଲାଇ କରିବେ, ଏବେ ସେମିତି ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ତ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଅଗେନ୍ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ, ସେମିତି ସେ ଆମକୁ ଆଶ୍ୟୁରାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଯେମିତି ଆହୁରି ବେଶୀ ଲୋକ ସେମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ କରିପାରିବେ। ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ ଚାଲିଲେ ଅନେକ ପାଇବେ ରୋଜଗାର, ଏଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସୂତାକଳକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍ କୋଇଠି ରଖୁଛି, ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।